हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये शाम का अर्घ है तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। देख लीजिए, ये घर के पास है। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ग्राउंड है तो गड्ढा खोद के यहाँ घाट बनाया गया है, और यहाँ बगल में ही ग्राउंड में ही शिव जी का मंदिर भी है। तो यहाँ 4-5 साल से इस तरह से हो रहा है। तो शुरुआत में तो पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, धीरे धीरे अब सब लोग यहीं पर करने लगे हैं। अब दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ के मोहल्ले के जितने लोग हैं सब ज़्यादातर यहीं पर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है दूर दूर, क्योंकि यहाँ से तालाब जहाँ छठ होता है यहाँ बहुत दूर दूर है। ऑटो गाड़ी जिसका है वही जा सकते थे, इतना दूर है। तो यहाँ पास में होने से हम लोग को भी बहुत अच्छा लगने लगा है। तो हम लोग भी यहाँ पर 4 बजे पहुँचे थे, लेट हो गया था क्योंकि देख लीजिए हम लोग जब पहुँचे हैं पूरा भीड़ हो गई है। पहले हम लोग जल्दी पहुँच जाते थे तो हल्का भीड़ उड़ रहता था। तो यहाँ देखिए, इन लोग पहले हम लोग के घर के पास रहते थे, जिनके पास हम लोग आए हैं अभी। तो इन लोग का नेचर भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग थोड़ा देर ही आए थे, उसके बाद से अर्घ चालू हो गया था क्योंकि लेट हो गया था। बच्चे सब क्रिकेट देखने लगे थे क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो बच्चे लोग उसी में मगन हो गए थे, इसलिए हम लोग का थोड़ा लेट हो गया था। हालांकि इंडिया तो नहीं जीत पाया। यहाँ से हम लोग अर्घ देने के बाद हम लोग गए तो सब हम लोग क्रिकेट में फिर क्रिकेट देखने लगे थे जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी। तो शुरुआत में तो अच्छा चला, मतलब फील्डिंग इंडिया लोग ने अच्छे किए थे, 3 विकेट तुरंत तुरंत ले लिए थे। तो लगा था कि अब जीत जाएगी क्योंकि इंडिया लोग ज़्यादा अच्छा से बैटिंग नहीं किया था, लोग ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे। तो मैं भी उसमें मगन हो गई थी कि चलो इंडिया जीत रहा है। मैंने रिकॉर्ड भी किया था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, डालूँगी, पर अच्छा बाद में लगा कि अब नहीं जीतेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं भी अर्घ दे रही हूँ। क्रिकेट के चलते मैं यहाँ से जाने के बाद मैं 8 बजे तो खाना बनाना चालू किए, जब लगा कि मुझे कि इंडिया अब नहीं जीतेगा। तो उसके बाद से मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था, उसी दिन मैं सुबह आप लोग के साथ मिलूँगी। तो यहाँ हम लोग ने सब अर्घ दे दिया है। देखिए बच्चे लोग भी अपना मस्ती कर रहे हैं पानी में। तो वो देखिए, वो पीला वाला जो है ना, वो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो यहीं पर हम लोग का दुर्गा पूजा भी, यहाँ पंडाल भी लगता है दुर्गा जी का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज सुबह का अर्घ का है, हम लोग सब उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, और अभी 5 बज रहे, अब हम लोग निकलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। तो हम लोग 3:30 बजे उठे हैं, सब नहा वहा लिए, सब बच्चे लोग सब बस ये तैयार हो रहे हैं, बस हम लोग निकलेंगे। तो चलिए आप सब भी हम लोग सुबह का अर्घ में। तो शाम वाला भी हम लोग गए थे, तो अब मैं ज़रूर आपको के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ये साड़ी पहना है, देखिए अभी ठंड है तो स्वेटर डाला हुआ है। तो चलिए, तो मिलते हैं फिर। बाय बाय। टाइम से पहुंच गए थे, तो देख सकते हैं अभी बहुत लोग नहीं आए हैं, कुछ कुछ लोग आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपना जल्दी पहुंचे थे, तो अपना फोटो वोटो ले रहे थे, आराम से वीडियो वीडियो ले रहे थे। तो खूब फटाका अभी छूट रहा था इस टाइम में।
तो ये देखिए अब अरग का भी समय होने जा रहा है, थोड़ा उजाला हो गया है। बहुत अच्छा लगता है ये छठ पर्व, अलग ही और रौनक बना रहता है। अब तो लग रहा है सब फेस्टिवल भी खत्म हो जाएगा, अब तो कुछ रहा नहीं, बस अब जो हम लोग का डेली का रूटीन है सब वही चलेगा। तो ये देख लीजिए लास्ट में हम लोग अर्घ उर्घ देने के बाद, देखिए सृष्टि और सूरज भी पानी में चले गए थे, मैंने लोग जीत कर रहे थे हम लोग की पहले सब हो जाएगा तो लास्ट में जाना, क्योंकि उसमें पूरा नदी में सब बड़े लोग भी थे, अर्घ पड़ रहा था तो हम लोग अभी मत जाओ तुम लोग लास्ट में जाना। तो ये लोग भी देखे पूरा पानी में चली गई है, देखिए दोनों भगनी है, भगना है, सृष्टि है। जाओ शौक है इन लोग का, तुम लोग भी चले जाओ। तो अब हम लोग अब निकलेंगे, हम लोग अब घर भी जाएंगे क्योंकि हो चुका है। तो ये देखिए हम लोग अब जा रहे हैं, तो जितना हो सका मैंने शेयर किया आप लोग के साथ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा हो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय छठी मैया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो बाय बाय।